हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज से तकरीबन 45 साल पहले इस शहर पटना की गलियों से एक नारा गूंजा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे ने बिहार ही नहीं पूरे भारत की तकदीर बदल दी। वो क्रांति की शुरुआत थी, वो संपूर्ण क्रांति थी, जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी बुलाते थे। जेपी ने सरकार को चुनौती दी और ऐलान किया, हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मान लो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जेपी इस आह्वान से बिहार की उस विरासत को आगे बढ़ा रहे थे जो इस राज्य को बदलाव की धरती बना देती है, क्रांति की धरती बना देती है। दरअसल यह आह्वान बिहार की विरासत का प्रतीक है जो हमेशा न्याय के हक में लोगों को एक करती है। बिहार की विरासत जनता की ना सुनने वाली निरंकुश सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को आगे लाती है। आज से 2000 साल से भी पहले मगध के नंद वंश को उखाड़ने का काम आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य ने यही किया। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी समूल सत्ता का विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए बिहार के ही वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठाई। महात्मा गांधी ने आजादी के अभियान की शुरुआत इसी बिहार की धरती चंपारण से की। चंपारण का ये भितरवा आश्रम इस बात की गवाही देता है, और फिर आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन जिसके नेता जेपी थे उसकी अगुवाई भी बिहार से हुई। बिहार एक बार फिर दोराहे पर खड़ा है, चुनाव हो रहे हैं, लोग दहाड़ रहे हैं, चुनावी चर्चा गर्म है। जनता को धोखा देने का काम किया। बिहार में बदलाव है या पुरानी सरकार ही बहाल रहेगी, इस पर चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है। क्रांति की धरती बिहार के नतीजे क्या देश के भविष्य को बदलेंगे, इस पर लोगों की नजर है। बिहार की क्रांति की विरासत, बदलाव की विरासत क्या कहती है, इसका जवाब ढूंढने के लिए शुरुआत करते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण से। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे, उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा, और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, यह जुल्म नहीं होगा। ये संतानों की जमीन छीनी गई, इस बेईमानी से वो नहीं होगा, इनको हम वापिस करेंगे। बहुत अन्याय हुआ इनके साथ है, अब न्याय होगा, जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष होगा। जयप्रकाश नारायण की इसी आवाज पर देश के लाखों युवा बदलाव का परचम लहराने के लिए घरों से निकल पड़े थे। जयप्रकाश नारायण ने इसे संपूर्ण क्रांति कहा। उनके सामने थी दिल्ली की इंदिरा गांधी की सरकार। विचार, क्रांति और जो कहिएगा कि एक गूंज जो आपको रोमांचित करने वाली गूंज थी, वो जेपी में थी। और इसलिए कहा जाता है कि वो एक बूढ़ा सिपाही इस तरह से दहाड़ मारता था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। वो जेपी जिन्होंने दिल्ली की सियासत को पलट कर रख दिया। जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मान लो। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को समझने के लिए हम पटना पहुंचे। ये जेपी के समय की महिला चरखा समिति है। ये वही जगह है जहां रहकर जयप्रकाश नारायण ने
आजाद भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन का खाका खींचा था। पूरा आंदोलन का केंद्र जेपी निवास था। उस समय आप देखते तांता लगा रहता था, मतलब तांता इस तरह का कि यहाँ पर महिला छात्रावास चला करता था। जेपी इतना डर गए थे कि रातों रात महिला छात्रावास उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इन महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। इतनी भीड़ आ जाती थी, पूरा नीचे मैदान, और बाद में तो ये स्थिति हो गई थी कि जेपी अगर नीचे नहीं जा पाते थे तो इस खिड़की से भी सबको संबोधित करते थे। ये वो दौर था जब साल 1973 में देश में महंगाई दर 23% बढ़ गई। 1974 में जो सामान 100 रुपए में मिलता था वो 130 रुपए में मिलने लगा। मेस बिल बढ़ाने के विरोध में गुजरात में छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ। बिहार में भी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की सुबगहट थी। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी उसी दौर में जेपी से जुड़े। आंदोलन हुआ, जयप्रकाश जी ने उस आंदोलन का समर्थन किया, सरकार गिर गई। तो इसी पृष्ठभूमि में यहाँ भी, यहाँ के नौजवानों ने भी, यहाँ के विद्यार्थियों ने, छात्र नेताओं ने, युवा नेताओं ने जयप्रकाश जी की मीटिंग बुलाई। पटना यूनिवर्सिटी में वो मीटिंग हुई थी। लालू यादव उस समय अध्यक्ष थे छात्र संघ के, सुशील कुमार मोदी उसके जनरल सेक्रेटरी थे। छात्र नेताओं का सम्मेलन हुआ था और उसमें भी जयप्रकाश जी ने नौजवानों को इंस्पायर किया। 18 मार्च 1974 को युवाओं ने बिहार की विधानसभा का घेराव किया। छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया था। छात्रों ने जेपी से आंदोलन का नेतृत्व करने की गुहार लगाई। काफी लाठी चली, गोली चली, लूटपाट हो गया, सर्च लाइट अखबार निकलता था उसमें आग लगा दिया गया। काफी विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी बिहार में। लोग गए जयप्रकाश जी के यहाँ, जयप्रकाश जी के से अनुरोध किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वीकार कीजिए। जयप्रकाश जी ने शर्त रखा, भाई हम सलाह सबकी लेंगे लेकिन अंतिम बात जो है मेरी होगी। मौन जुलूस उन्होंने निकाला। मौन जुलूस निकला, उसमें हाथ पीछे बंधा हुआ था, मुंह पर काला कपड़ा था। मौन जुलूस निकला, उसमें मैंने संख्या कितनी होगी इस पर भी जो है वो तय हो गया था कि 1000 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। लेकिन वो अद्भुत दृश्य था, लोग तो जुलूस में 1000 थे लेकिन लग रहा था कि पूरा शहर जो है उस जुलूस के साथ है। इस जुलूस के 2 महीने बाद जेपी ने पटना के इसी गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया। दिन था 5 जून 1974। यहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जिस दिन जेपी संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर रहे थे उस रोज उनकी सभा में रेणु ने क्रांतिकारी दिनकर की कविताएं गाईं और लाखों लोगों ने मुट्ठी भींच कर जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है, है जयप्रकाश वो जो ना कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता से उपन्यासकार लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने जयप्रकाश नारायण का स्वागत किया था। उनका सप्त क्रांति का आह्वान था। सिर्फ वो सत्ता राजनीति की बात नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे सभी सप्त क्रांति में, वो आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तो स्थाई, तो पूरे परिवर्तन की बात वो कह रहे थे। इस रैली ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जेपी आंदोलन शुरू हो चुका था। इसी आंदोलन की आन से बचने के लिए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी हटी तो आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई। मोरारजी देसाई की सरकार बनी। जेपी के इस आंदोलन ने कई बड़े बड़े नेताओं को तैयार किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, रामविलास पासवान जैसे नेता थे। क्या आज के समय में तेजस्वी चिराग पासवान जैसे युवा नेता इस विरासत को समझते हैं? आज के देश में तो समझिए कि जब प्रकाश जी रहते तो अपना माथा पीटते, तो शायद आत्महत्या कर लेते। ऐसी स्थिति जो है बन गई है। मैंने
दूर दूर तक वो आंदोलन का जो लक्ष्य था, जेपी की जो शिक्षा थी, सबका जो सपना था, सबका जो एक 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 नीति बनाई थी लोगों ने, एक रास्ता जो है बनाने का कोशिश किया था, सब उससे मैंने उस रास्ते से दूर दूर तक किसी का रिश्ता नहीं। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को परिवर्तन का सपना दिखाया था। इसी बिहार में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। जब भी किसानों के हितों की बात आती है, हमें गांधी का चंपारण आंदोलन याद आता है। आज के बिहार में किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। महात्मा गांधी चंपारण कैसे आए? उनकी ये विरासत हमारे लिए आज भी कितनी मायने रखती है? बिहार में सरकारें आती जाती रही, लेकिन किसानों की ये तस्वीर नहीं बदली। बिहार में किसानों की हालत को पहली बार गांधी जी ने किस तरह से उठाया, ये हमें चंपारण की विरासत से समझना चाहिए। ये आज के पूर्वी चंपारण का मोतिहारी रेलवे स्टेशन है। साल 1917 में महात्मा गांधी ने इसी तरह चंपारण की धरती पर कदम रखे थे और यहीं से गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। गांधी को चंपारण लाने का काम स्थानीय किसानों ने किया। करीब 100 साल पहले चंपारण में ब्रिटिश हुकूमत किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रही थी। महात्मा गांधी ने किसानों को एकजुट कर सरकारी फरमान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। चंपारण आंदोलन का केंद्र यही आश्रम था। इसी कमरे में बापू रहा करते थे। भितरवा आश्रम से ही गांधी जी चंपारण आंदोलन की रूपरेखा खींच रहे थे। चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है भितरवा गांधी आश्रम था। यहीं पर स्वयंसेवी लोग रहते थे, गांव गांव में घूमकर लोगों को शिक्षा दिया करते थे। गांधी जी के इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि अंग्रेजों को नील की खेती से जुड़ा अपना आदेश वापस लेना पड़ा। चंपारण को उन्होंने दिशा दिखाया कि अगर आप सत्य और अहिंसा से कोई भी आंदोलन करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, तो वह पूरा होगा। जिस बिहार की धरती पर महात्मा गांधी ने किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, उस बिहार में किसानों की हालत आज भी बदहाल क्यों है? क्या आज का राजनीतिक नेतृत्व चंपारण आंदोलन की विरासत को भूल गया है? आजादी से पहले और आजादी के बाद बिहार में जन आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इतना ही नहीं, साल 1857 में बिहार की इस धरती ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, जो सबसे लंबा चला था। पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये आज के बिहार का आरा जिला है। आरा के जगदीशपुर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 में एक 80 साल के वीर बांकुड़े बापू कुंवर सिंह ने तलवार उठाई थी। कुंवर सिंह भी बहुत परेशान थे। अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को इतना परेशान कर दिया था, अधिक से अधिक कर लगाकर अन्य तरह से उनको इस तरह से लाचार कर दिया था कि अब उनके सामने भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के सिवाय कोई मार्ग नहीं था। बापू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के जोर जुल्म और बढ़ते टैक्स के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इस नाफरमानी से बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने कुंवर सिंह पर हमला बोल दिया। 80 साल के कुंवर सिंह ने हथियार उठाए और ब्रिटिश फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया। पेड़ पर इनके सैनिक छिपे हुए रहते थे, गुरीला वार करते थे। शिवाजी के बाद, छत्रपति शिवाजी के बाद, यानी भारत में गुरीला वार के जो एक्सपर्ट थे बाबू कुंवर सिंह थे। वो गुरीला वार में किस तरह से बड़ी सेना को हरा दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है, यह बाबू कुंवर सिंह इसमें माहिर थे। साल 1858 23 अप्रैल का दिन, जब इस आरा हाउस पर बिहार के वीर क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा किया था, यानी अंग्रेजों को इस आरा हाउस से भगा दिया था। अंग्रेज फौज से लड़ते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह को दाएं हाथ में गोली लगी। बाबू वीर कुंवर सिंह आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से आजाद रियासत की नींव रखी। वीर कुंवर सिंह के साथ साथ 1857 की क्रांति में एक बड़ा नाम पीर अली का भी है। वीर कुंवर सिंह राजा थे तो पीर अली एक आम शहरी। पटना में किताबें बेचने वाले पीर अली ने ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। ब्रिटिश सरकार ने पीर अली को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा की घोषणा होने के बाद जब ये मौका दिया कि तुम अपने साथियों के बारे में कुछ बताओ तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे,
तो उसका जवाब इतना साहसपूर्ण है, ये एक बात ऐसी है जो शायद कम लोग जानते हैं, मैं इसको तो स्कूल की किताबों में लिखा जाना चाहिए। तो उसने कहा था कि जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब जान को बचाना अच्छा होता है, मगर ऐसे भी मौके आते हैं जब जान को गंवा देना बेहतर होता है। आप मुझको फांसी दे दीजिए, लेकिन मेरे बाद भी सैकड़ों लोग आएंगे, आप से लड़ाई करने वालों की संख्या में कमी नहीं होगी और अंततः आपका मकसद पूरा नहीं होगा। पटना एयरपोर्ट से निकलते ही इस रोड का नाम बिहार सरकार ने पीर अली की याद में रखा हुआ है। कहते हैं इसी पार्क में उन्हें फांसी दी गई। जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे राजनीतिक आंदोलन होता होगा, तो भी प्रारंभ यहीं से हुआ। जेपी का मूवमेंट यहीं से हुआ, गांधी का मूवमेंट यहीं से हुआ। बिहारी के वजह से ही मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हुए। ये काम तो दूसरा जगह दूसरे राज्य में नहीं हो सकता था। तो बिहार की मिट्टी के साथ और इस बिहारियों के जीन में कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्रांतिकारी होंगे ही। सच्चा बिहारी बोलेगा जरूर, यही शायद बिहार की विरासत भी है। चुनाव बोलने का ही एक दूसरा तरीका है। बिहार और बिहार के लोग इस बार क्या बोलेंगे, इस पर पूरे देश की नजर है।